नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जनवरी 2021 में माता पिता बनने वाले हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी अनुष्का ने लॉकडाउन के दौरान खुद को फिट बनाए रखा। इसी का नतीजा है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिर में भी आराम से शूटिंग कर पा रही हैं। अनुष्का ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से विराट कोहली के साथ एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में विराट कोहली प्रेग्नेंट अनुष्का शर्मा को शीर्षासन करने में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इसको लेकर एक्ट्रेस काफी सुर्खियों में हैं। अनुष्का शर्मा अक्सर अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आ जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फोटो पोस्ट किया है। इस फोटो में एक्ट्रेस शीर्षासन करती नजर आ रही हैं। प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अनुष्का योग कर रही हैं। हालांकि इस आसन को करने के लिए पति विराट कोहली उनकी मदद कर रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए अनुष्का शर्मा ने कैप्शन में लिखा, इस एक्सरसाइज में हाथ नीचे और पैर ऊपर, ये सबसे मुश्किल है क्योंकि योग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं वो सब आसन करूं जो मैं प्रेग्नेंट होने से पहले करती थी, लेकिन अब उचित और आवश्यक समर्थन के साथ शीर्षासन जो मैं पिछले कई सालों से कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं दीवार का सहारा लूंगी, लेकिन मेरे पति ने भी पूरा मेरा सपोर्ट किया। हालांकि ये मेरी योगा टीचर की देखरेख में हुआ। अनुष्का शर्मा की ये फोटो खूब वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बता दें कि विराट कोहली एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए भारत वापस लौट जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनकी पैटर्निटी लीव स्वीकार कर ली है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मैच 2 दिसंबर को खेला जाना है। पहले दोनों वनडे मैच हारने के साथ ही भारत ये सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से हार गया है। पहले वनडे में भारत को 66 रन और दूसरे वनडे में 51 रन से हार का सामना करना पड़ा। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।